खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया ने निकटवर्ती गांव सोनेड़ी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क कर वोट भी मांगे। गांव के चौक में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि किस तरह से बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदेश की जनता तरसती रही है। पूर्व विधायक मटोरिया ने उपस्थित जनों को भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। विधिवत रूप से कार्यालय के पर्चा भरने के बाद कार्यालय की परमिशन लेकर और विधिवत रूप से प्रचार शुरू किया है। पहला गांव सोनड़ी गांव से शुरुआत की है और 12 गांव का दौरा है और इसी प्रकार आज के बाद लगातार गांव के दौरे रहेंगे। और पहले ही गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मेरे साथ बड़े भाई रामकिशन जी और मेरी बहन उर्मिला जी भी हैं और बहुत ही साफ दिल से बड़ी अच्छी बात इन्होंने जनता के बीच में रखी है। आपने आंकड़े सहित बता दिया अभी कांग्रेस ने क्या कहा और दिल की बात के माध्यम से बहन उर्मिला जी ने सारी बातें जनता के बीच में रखी। मेरा निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ है, ऐसे ही कार्यक्रम आम जनता हमें आने वाले लगातार कई दिनों तक देगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भी जाएगी।